तो पता नहीं अभी ये क्या कर रहा है पत्थर से। ओ पावर आ गई इसके अंदर। तो हेलो सर, वेलकम बैक टू अनदर गेमप्ले वीडियो। आज हम खेलने वाले हैं स्टेबल नाम का गेम, जो कि बहुत ज्यादा। तो अभी हम गेम में आ चुके हैं एंड गेम को करते हैं स्टार्ट। न्यू गेम पे करते हैं, ये तो हमारी पुरानी वाली फाइल है, इसको करते हैं भाई डिलीट, क्योंकि मैंने पहले टेस्ट किया था भाई। मैं तो टेस्ट करना भाई बढ़िया लगता है। मैंने पहले टेस्ट कर लिया कि भाई गेम चलता है कि नहीं, तो फाइनली हमारे पीसी में चल गया था। तो इसकी जो भाई साउंड ट्रैक्स है वो बहुत ज्यादा प्यारी है, मतलब साउंड ट्रैक्स की जो साउंड है इसकी बहुत ज्यादा मस्त है, मतलब एकदम भाई एनिमे वाली फील आ जाती है इसको खेल के पूरी। तो चलो हमारा भी गेम स्टार्ट हो रहा है। तो फाइनली हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे लिखा है शीट वर्क्स, तो पता नहीं ये क्या चीज है, कोई मंदिर सा लग रहा है, एंटिक पुराना मंदिर ऐतिहासिक। ये कोई हड्डी सी है, कॉकरोच निकला है हड्डी में से, नहीं ये बीटा है, पता नहीं क्या ढूंढ रहा है ये, पता नहीं क्या है। और कोई आ रहा है भागकर, ये हम है। इसकी आंखों में पता नहीं क्या हुआ पड़ा है, हाथों को देखो भाई कैसे लेकर जा रहा है ये। आंखों में इसने पत्थर लगा रखे हैं क्या? और ये मूर्ति किसकी है? देखो फुल कार्टूनिश वाइब्स नहीं आ रही तुमको, एनीमे वाली फुल। एंड बैठ कर अभी हम इसको देख रहे हैं, पता नहीं क्या चीज है, लगता है इसी की मूर्ति है ये। बस कर भाई इतना मत देख, प्यार हो जाएगा तुझे उससे। द क्वेस्ट सेरेमनी, मूविंग स्केल, यूज द WSD टू मूव सेबल। तो हमारा नाम इसमें सेबल है ऑफ कोर्स, वो तो हमें स्टार्टिंग में पता लग गया था। इसकी आवाज सुन के मुझे लग रहा है कि ये लड़की है, तो हमें दरवाजा खोल दिया है। स्पेस टू जंप, भाई कहाँ जाना है? अच्छा तो यहाँ पे सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा सकते हैं। सीढ़ियां चढ़ भाई स्टेबल, सीढ़ियों की जरूरत ही नहीं है इसको। वाह भाई बिना सीढ़ी को चढ़ेगी ये, क्राउच कर ले। ये तो नारुतो को शहर लग रहा है। अबे अबे मर मत जाइयो, ये रेगिस्तान में से कहां पर पहुंच रहे हैं? मैं होल्ड शिफ्ट, ओके तो ये भी कह रहे हैं शिफ्ट को होल्ड करने से हम तेज भाग पाएंगे। दोस्त भाई वो हर एक गेम में भाई भागते ही हैं। बैक्स कैंप, इस जगह का नाम बैक्स कैंप है गेम। वैसे देखने के लग रहा होगा कि भाई कमजोर है, बट भाई ग्राफिक प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा ले रहा है ये, पता नहीं क्यों मेरे पीसी की। अभी हम यहाँ पे कहीं पे जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। यानी पता नहीं यहाँ पे अलग से जानवर है, कुछ लोगों ने मास्क से डाल रखे हैं। आई कैन फील दिस मी जस्ट डोंट आई फील। तो फाइनली सभी आंसर का फास्ट फास्ट मैंने आंसर दे दिया इसके जवाबों का। तो ये कंपस है, ये हमें बताएगा हमारे जो मेन मोटिव्स है इस गेम के अंदर, हमें क्या करने, लक्ष्य बताएगा ये हमारा, किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। तो अभी ये कह रहा है इधर जाना है। हाँ भाई लंगड़े भाई साहब, तो इसने हमें विस्परिंग स्टोन्स दे दिए हैं, पता नहीं ग्लाइडिंग स्टोन है क्या है। इस गेम में पता नहीं भाई पढ़ना बहुत पड़ता है यार, मतलब मेन से अगर बात की जाए तो ये भाई थोड़ा आंसरिंग वाला गेम है, मतलब ऑप्शंस वाला गेम है। तुम्हारे अकॉर्डिंग स्टोन चलने वाली है भाई साहब तुमको नो। तो अभी हमें उस कैनियन की तरफ जाना है, तो चलते हैं कैनियन के ऊपर। एंड इसको दर्द नहीं हो रहा भाई तेरे को? इतना प्रेशर आ रहा है तेरी टांगों के ऊपर, तेरी टांगों में झटके नहीं लग रहे इतने प्रेशर से? बात जो भी है गेम तो भाई फुल मजा आ रहा है गेम खेलने में, तो फुल एनिमे वाली फील है, मतलब कार्टून से सैचुरेशन से कलर है इसके।
थक जा रहे हैं ना। चो क्या लिखा है ये, 14 days एक्टिवेट ग्लाइडिंग स्टोन्स एट द एल्टार। तो देखो वहां पे पता नहीं क्या चीज है, क्राउच, ओ क्राउच है यहाँ से। यहाँ पे कैमरा एंगल चेंज होता क्या यहाँ पे? वहां पे कैनियंस हैं या डैम है पता नहीं क्या है। जा तो सही रहे हैं ना, और क्या पता हम गलत पहुंच जाए। जा तो सही रहे हैं। ये पौधे कैनियंस किधर है? कैनियंस मतलब जो दरारें होती है ना धरती के अंदर पड़ी 100 100 किलोमीटर की, वो कैनियंस है। हमें वो फाइंड करने हैं, तो कैनियन भी देखने पड़ेंगे क्या चीज है। यहाँ पर कोई फिल्म की शूटिंग हो रही थी क्या? सब कुछ टूटा पड़ा है। तो यहां से हमें आई थिंक ऊपर चढ़ना है। ये तो जुपिटर पे लग रहा है, जैसे जुपिटर पे लाइन पड़ी होती है। ऊपर चढ़ जाना भैया, सही ऊपर भी नहीं चढ़ पा रही। अरे तो यहां से भी ऊपर जाना है हमें, तो कैसे जाना है वो देखना पड़ेगा। छोटी छोटी जंप्स लेके जाना पड़ेगा पहाड़ों के ऊपर से। ये छोटे छोटे पहाड़ से हैं। वैसे भी मैं इधर से पहुंच सकता था, इधर से वो ये क्लाइंब कर सकती है। तू पहले क्यों नहीं बताया मेरे को है? अरे ये बीम को पकड़ लेना, ये क्या बीम का पड़ा हुआ है यार, ये गिर रही है फिसल के। नहीं पकड़ लिया, ग्रैब कर लिया अच्छे से। अरे यार पहली बात तो इस गेम में ये इतनी बार गिरी है भाई, टांगों पे इसने इतना प्रेशर सह लिया है भाई, टांगे टूट जाए नॉर्मल बंदे की। अभी और ऊपर जाना है क्या? हाँ अभी और है भाई, ये कुछ डर सा वर सा लग रहा है मेरे को, पर कुछ हो रहा है क्या? जाना तो इधर ही है। एक मिनट मैं थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर लूँ, मेरे को डर लग रहा है। पता नहीं गेम हॉरर नहीं है, बट हमें पता है कि गेम्स के अंदर हमारी छोड़ रहे हैं। अरे पकड़ ले, अरे अच्छा तो इधर से जाना है। चल भाई चल जा। ये भाई वही नहीं लग रहा जहां से हम अभी गए थे, या फिर वो अलग जगह है? नहीं अलग जगह है भाई ये, बट पता नहीं है कुछ भी हो सकता है। ये रहा कैनियन। ओ नहीं, भैंस की टांग टूट गया, कैनियन टूट गया भाई। ये कैनियन फूटा कैसे? बस यही नहीं समझा मेरे को, एक बंदे के पैर रखने से पूरी जमीन मतलब टूट फूट गई। ये पेड़ व्हाइट कलर का हो गया। इस जगह में क्या है? अब ये रहा हम यहाँ पे। तू कोई पूजा पूजा करने वाली है? ब्लैक मैजिक करेगी तू? हाँ क्रियोस्टी तो है ऑफ कोर्स भाई, डरावनी सी जगह में भाई। क्या तू करेगी भाई, कुछ उल्टा सीधा मत कर दियो। तो पता नहीं अभी ये क्या कर रहा है पत्थर से। वो पावर आ गई इसके अंदर, अवेंजर बन गई है आयरन मैन। नहीं कुछ नहीं हुआ, बस पावर आ गई, गिर गई निपट गई वो। और लो पंगे, तुझे बोला था ब्लैक मैजिक मत कर। अबे ये माइनक्राफ्ट क्यों बन रहा है भाई? माइनक्राफ्ट बन रहा है धीरे धीरे गेम। कोई पावर मिल गई क्या तेरे को? मेरे को भी बता।
वेंजर वेंजर बन के तो उड़ सकती है क्या? अच्छा सो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।